नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको जो है नश्र समीकरण के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो है नश्र समीकरण के बाद आपको साम्य स्थिरांक और न के द्वारा नश्र समीकरण, ठीक है, नश्र समीकरण के और साम्य स्थिरांक में संबंध आप देखे थे। और एक समीकरण जो है आपने निकाला था जिसमें साम्य स्थिरांक और नश्र समीकरण दोनों थे, ठीक है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.059 बटा एन लाग केसी, ठीक है। यह एक समीकरण, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.303 RT बटे एन एफ लाग केसी। तो यह जो आपका समीकरण है मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.303 RT बटे एन एफ लाग केसी, यह जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव और साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको बता दिया गया था। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे वैद्युत रासायनिक शैल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो ध्यान दें, आज की जो हेडिंग है आपकी वैद्युत रासायनिक शैल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। देखिए ध्यान से इसमें, तो गैल्वेनिक शैल के द्वारा किया गया कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि गैल्वेनिक शैल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, गैल्वेनिक शैल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक है। यह आपको बताया गया था 11th में कि गिब्स ऊर्जा के बारे में, गिब्स ऊर्जा क्या होता है वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। यहाँ देखें, गैल्वेनिक शैल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। हम जानते हैं कि यदि गैल्वेनिक शैल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणीय हो। गैल्वेनिक शैल से आप अधिकतम कार्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आवेश का प्रवाह क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा, तभी जो है आप गैल्वेनिक शैल से अधिकतम कार्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक शैल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, और गैल्वेनिक शैल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणीय हो, ठीक है। इस प्रकार यदि सेल का ईएमएफ कैपिटल ई प्रवाहित आवेश एनएफ और अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी रिएक्शन, डेल्टा जी अभिक्रिया हो, तब, ठीक है, किया गया अधिकतम कार्य डब्ल्यू मैक्सिमम बराबर अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन। यह हो गया आपका डेल्टा जी रिएक्शन बराबर, ठीक है, अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी रिएक्शन बराबर माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पर जो ई सेल है यह एक स्वतंत्र प्रांचल है। ई सेल क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, स्वतंत्र प्रांचल है, लेकिन यह जो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है यह एक ऊष्मा गतिकीय गुणधर्म है, मात्रात्मक ऊष्मा गतिकीय गुणधर्म है जिसका मान जो है यन पर निर्भर करता है, जिसका मान जो है यन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि गैल्वेनिक शैल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक है। जो उत्क्रमणीय कार्य होगा वह गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम जो होगा वह अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, और अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होगी, माइनस एन एफ ई होगी, ठीक है, सेल के लिए। और यह सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है वह एक स्वतंत्र प्रांचल है, लेकिन अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा जो है एक मात्रात्मक ऊष्मागत की गुणधर्म है, क्योंकि इसका मान इलेक्ट्रॉन की संख्या यन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आप देखें, एक अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया देखें, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन, जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है तो यन का मान 2 रखेंगे, तो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर -2FE, ठीक है, अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर -2FE। यह हो गया। एक और अभिक्रिया देखें,
तथा अभिक्रिया टू जेड एन सॉलिड प्लस टू कापर आयन एक्वस एरो टू जेड एन आयन प्लस टू कापर सॉलिड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फोर, एन का मान फोर रखेंगे तो यह हो गया अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी आर बराबर माइनस फोर एफ पी सेल। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एन का मान बदलने से अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा क्या होती है, बदल जाती है। तो यह एक क्या है, उष्मागतिकी गुणधर्म है, लेकिन ई सेल क्या है, एक स्वतंत्र प्रांचल है। यदि सभी अभिक्रियाकारी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई हो, यदि सभी अभिक्रिया सा ठीक है अभिक्रियाकारी स्पीसीज की सांद्रता क्या हो, एक इकाई हो, उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोड भी हो जो सेल का होगा वो मानक इलेक्ट्रोड भी हो के बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा, जब सभी अभिक्रियाकारी स्पीसीज की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, एक इकाई हो, तो उस समय सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा। तो उस समय अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा जो परिवर्तन होगा वो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होगा। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन उसको लिखेंगे डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड हो जाएगा और यह होगा बराबर माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है सेल का लिखा जाएगा। इस प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल के मापन से हम एक महत्वपूर्ण उष्मागतिकीय राशि अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, डेल्टा जी, ठीक है, रिएक्शन स्टैंडर्ड, डेल्टा जी स्टैंडर्ड रिएक्शन का प्राप्त कर सकते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। उस समय सेल का क्या यूज करना पड़ेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन से हम निम्न समीकरण द्वारा साम स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा जी स्टैंडर्ड रिएक्शन से साम स्थिरांक की गणना करना हो तो यह एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड बराबर माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का बराबर माइनस आर टी एल एन के। तो इस समीकरण द्वारा आप साम स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यदि परिकलन, यदि आप गणना कर रहे हैं और डेल्टा जी, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो है अभिक्रिया का ऋणात्मक आता है तब अभिक्रिया स्वतः, ठीक है, तब सेल अभिक्रिया स्वतः होती है अन्यथा नहीं। तो अगर मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तब जो है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, अगर माइनस नहीं आएगा डेल्टा जी रिएक्शन स्टैंडर्ड का मान तो सेल अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन का माइनस एन एफ ई सेल। अब आप देखें, अब आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो ध्यान दें, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व को समझने से पहले हम जो है विद्युत अपघटनी चालन के बारे में थोड़ा जानते हैं। विद्युत अपघटनी चालन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जली विलयन में, रासायनिक पदार्थ को आप जब वाटर में घोलते हैं, जली विलयन उसका तैयार करते हैं, तो वह जो रासायनिक पदार्थ हैं वह विद्युत धारा को प्रवाह करने लगते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है उन आयनों के माध्यम से। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहते हैं। जो धारा का चालन नहीं करते हैं उनको विद्युत अनपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जो धारा का चालन नहीं करते हैं विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की इस घटना को विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालन क्या होती है, विलयन में विद्युत धारा का
प्रवाह की घटना होती है। विलयन में विद्युत धारा की प्रवाह की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। और विद्युत अपघटनी चालन किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघट्य के द्वारा। ठीक है, जब रासायनिक पदार्थ अर्थात विद्युत अपघट्य को जली विलयन में आप घोल देंगे तो वह विद्युत धारा का प्रवाह करने लगेंगे। लेकिन अगर वह रासायनिक पदार्थ विद्युत अनपघट्य है तो वह जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें विद्युत अपघटनी चालन विलयन में धनायनों और ऋणायनों के गतिशील होने के कारण होता है। तो जो विद्युत अपघटनी चालन है वह किसके कारण होता है? तो जब आप विद्युत अपघट्य पदार्थ को जली विलयन तैयार करेंगे तो वह विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा, और वही जो धन आयन और ऋण आयन है वही जो है धारा को चालन का काम करते हैं, धारा को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी चालन विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों के गतिशील होने के कारण होता है। विलयन की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है इसको देखते हैं। विलयन की विद्युत चालकता विलय की प्रकृति, आयन की संयोजकता, विलयन की सांद्रता तथा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि विलयन की जो विद्युत चालकता है वह विलय के प्रकृति पर, आयन की संयोजकता पर, विलयन की सांद्रता पर तथा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत अपघटनी चालन क्या होता है इसके बारे में आपने देखा। अब आप देखें चालकत्व और चालकता के बारे में। ठीक है, चालकत्व तथा चालकता के बारे में, चालकत्व क्या होता है और चालकता क्या होती है इसके बारे में। तो चालकत्व और चालकता को समझने से पहले प्रतिरोधकता समझते हैं। प्रतिरोधकता पहले क्या होती है? ठीक है, तो आपको प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर, विद्युत प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये आपको 10th में बताया गया था कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है किसी वस्तु का वह उसके लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अनुप्रस्थ काट आप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिला था। तो किसी भी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः विद्युत प्रतिरोध जो R होगा वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R अनुक्रमानुपाती L, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती A। तो R अनुक्रमानुपाती L बटा व्युत्क्रमानुपाती A, यह हो गया आपका। अब जब यह हटाएंगे आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो बराबर लिखेंगे एक नियतांक आएगा। यहाँ पे नियतांक को कैसे लिख रहे हैं? रो से। तो R बराबर रोयल बटा A, प्रतिरोध R बराबर रोयल बटा A, समीकरण नंबर एक। ठीक, यहाँ पर जहाँ रो एक क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। पहले इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे लेकिन अब इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता था लेकिन फिर अब इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो R बराबर रोयल बटा A, जहां रो एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगर परिभाषा कहा जाए प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो क्या देंगे? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है,
ठीक है, रो और आर आपस में बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब 1 मीटर लंबा तार हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा हो, यों इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो जब जो है 1 मीटर लंबा कोई तार हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय उसका प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। उसी समय उसका प्रतिरोधकता प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध ही उसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब यह 1 मीटर लंबा हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर। 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर या 1 ओम सेंटीमीटर बराबर 0.01 ओम मीटर। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, चालकत्व के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना था। तो अब आप प्रतिरोधकता के बारे में जान चुके हैं, रोग के बारे में। अब आप देखें चालकत्व के बारे में। चालकत्व को जो है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसी को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चालकत्व कैपिटल जी बराबर 1/R। चालकत्व कैपिटल जी बराबर 1/R। तो यह जो चालकत्व है वह प्रतिरोध का क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कैपिटल जी बराबर 1/R। यह जो R का मान समीकरण 1 से रखने पर, यह जो आया है R बराबर रोयल बटे A, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो रोयल और A ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा चालकत्व कैपिटल जी बराबर 1/रोयल। चालकत्व कैपिटल जी बराबर 1/A/रोयल। अब आप देखें, एक होता है चालकता। जो चालकता होता है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है उसको चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, जिसको कैसे लिखते हैं? जिसको लिखते हैं कप्पा से। ठीक है, जिसको कैसे लिखते हैं? कापा से लिखते हैं। तो प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। ठीक है, कप्पा से प्रेजेंट करते हैं, तो 1/ρ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कापा लिख सकते हैं। तो चालकत्व जी बराबर 1/A/रोयल। चालकत्व जी बराबर 1/रोयल। तो 1/ρ के जगह पे आप किसका यूज करेंगे? चालकता कप्पा का यूज करेंगे। ठीक है, तो 1/ρ की जगह कप्पा लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका चालकत्व जी बराबर कापा 1/L। चालकत्व जी बराबर कापा 1/L। ठीक है, यह हो गया आपका। चालकत्व का एसआई मात्रक सीमेंज है। चालकत्व का कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेंज होता है, जिसका प्रतीक कैपिटल एस होता है। ठीक है, यह ओम इनवर्स या मो या ओम माइनस के तुल्य है। जो सीमेंज है चालकत्व का मात्रक प्रतीक, ठीक है, वह जो है किसके तुल्य होगा? यह, ठीक है, ओम माइनस इनवर्स या मो या ओम इनवर्स के तुल्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने चालकत्व के बारे में जाना कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल जी बराबर 1/R होता है, कैपिटल जी बराबर कापा 1/L होता है, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं चालकता के बारे में, कापा के बारे में। चालकता प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता मतलब रो का प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता कहलाता है। चालकता को पहले विशिष्ट चालकत्व कहते थे, ठीक है, लेकिन अब इसको चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का प्रतिलोम
चालकता कहलाता है, जिसका प्रतीक एक ग्रीक शब्द है कापा से प्रदर्शित करते हैं। तो कापा बराबर एक बटा रो। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। कापा बराबर एक बटे रो। चालकता के एसआई मात्रक सीमेंस पर मीटर है। चालकता का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस पर मीटर है। देख लें, अगर इसको डिफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे? किसी पदार्थ की सीमेंस पर मीटर में चालकता इसका वह चालकत्व है जब यह एक मीटर लंबा हो, यो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, किसी पदार्थ की सीमेंस पर मीटर में चालकता इसका वह चालकत्व है जब यह एक मीटर लंबा हो और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो। ठीक ठीक। अब आप देखो, एक सीमेंस पर सेंटीमीटर बराबर 100 सीमेंस पर मीटर, यह संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चालकत्व और चालकता के बारे में। अब जो है, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को निम्न वर्ग में बांटते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालकता के आधार पर पदार्थों को यहाँ देखें, तीन वर्ग में लिखा गया है। पहला है चालक, दूसरा जो है विद्युत रोधी अचालक जिसको कहते हैं, और तीसरा है अर्धचालक। ठीक है, तो ध्यान दें, धातुओं या मिश्र धातुओं की चालकता बहुत अधिक होने के कारण इन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालकता के आधार पर तीन भागों में बढ़ गया है: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। तो चालक कौन होते हैं? तो धातुओं या मिश्र धातुओं की चालकता बहुत अधिक होने के कारण इन्हें चालक कहते हैं। तो धातुओं और मिश्र धातुओं की चालकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है? चालक में रखा गया है। ठीक है, कुछ धातुएं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और कुछ कार्बनिक बहुलक भी इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं। तो आप देख रहे हैं, कुछ धातुएं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, कुछ कार्बनिक बहुलक, ये कैसे चालक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में। अब देखते हैं विद्युत रोधी के बारे में। कांच, चीनी मिट्टी, सिरेमिक्स आदि जैसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी कहलाते हैं और चालक कहलाते हैं। कांच, चीनी मिट्टी, सिरेमिक्स आदि जैसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दें, कुछ पदार्थ जैसे सिलिकॉन, डोपित सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जिसकी चालकता चालकों और विद्युत रोधियों के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं, कुछ पदार्थ जो हैं जैसे सिलिकॉन, डोपी सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जिसकी चालकता जो है चालकों और विद्युत रोधियों के बीच में है, उनको क्या कहते हैं? अर्ध चालक कहते हैं। ये महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं, वह महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिरोधकता क्या है? शून्य है, और चालकता क्या है? अनंत है, जिन्हें अतिचालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो कुछ पदार्थ शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं, जिन्हें अतिचालक कहते हैं। पहले माना जाता था कि केवल धातुएं यो मिश्र धातुएं ही बहुत कम तापों पर अतिचालक होती हैं। पहले यह माना जाता था कि धातुएं और मिश्र धातुएं जो हैं वह बहुत कम ताप पर 0 से 15 केल्विन के बीच में अतिचालक का काम करती हैं। लेकिन आजकल बहुत से सिरेमिक पदार्थ और मिश्रित ऑक्साइड भी ज्ञात हैं जो 150 केल्विन जैसे उच्च तापों पर भी अतिचालकता दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले यह माना जाता था कि केवल धातुएं और मिश्र धातुएं ही बहुत कम तापों पर अतिचालक होती हैं,
बहुत कम तापों पर अतिचालक होती है, परंतु आजकल बहुत से सिरेमिक पदार्थ और मिश्रित ऑक्साइड भी ज्ञात हो गए हैं जो 150 केल्विन जैसे उच्च तापों पर भी अतिचालकता दिखाते हैं। ठीक है, अब जो है आपको पढ़ना है धातुओं में विद्युत चालकत्व के बारे में। धातुओं में विद्युत चालकत्व के बारे में आपको जानना है कि धातुओं में विद्युत चालकत्व कैसे होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तब तक जो है आप इसको रिवाइज करते रहें, वीडियो लेक्चर देखते रहें। ठीक है, जो न समझ में आ रहा है उसको कमेंट में आप देते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।